Hello students, welcome back. So in the previous lectures, we have studied about the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the nervous tissue. In case you have missed those lectures, do watch them. The link is there in the description. So today we are going to start with the new topic, that is we will study about the cockroach. The topics that we will study about the cockroach are as following: external morphology of the cockroach, which will include shape, size and color, exoskeleton, body divisions. Body divisions mein kya aayega? Head, thorax and abdomen. So let's begin with our lecture. Sabse pehle hume cockroach ki general classification dekhni hai. Kya kingdom hai iska? Animalia. Phylum is Arthropoda. Class, Insecta. Genus is Periplaneta and species name is Americana. सो हाउस होल्ड कॉकरोच जो हमारे घरों में मिलते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस होल्ड कॉकरोचेज इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. डू रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का साइंटिफिक नेम हैंड रिटन है, इट शुड बी अंडरलाइंड. और अगर साइंटिफिक नेम टाइप्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इट शुड बी इन द इटैलिक्स. इटैलिसाइज होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी इन द इटैलिक्स. सो दिस इज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच. अब जनरल पॉइंट्स देखते हैं कॉकरोच के बारे में. पहला जनरल पॉइंट क्या है कि ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट है. नॉक्टर्नल मतलब क्या है? एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम. जो रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसे इंसेक्ट को हम नॉक्टर्नल कहते हैं. ओमनीवोरस है. ओमनीवोरस का मतलब क्या है? ये प्लांट और एनिमल दोनों मटीरियल्स पे फीड करेगा. कर्सोरियल इंसेक्ट है. कर्सोरियल, कर्सोरियल का मतलब क्या है? रनिंग बाय लेग्स. रनिंग एक्टिविटी के लिए ये इंसेक्ट अपनी लेग्स को यूज करता है. तो हमने इसकी जनरल क्लासिफिकेशन देखी, हमने इसके जनरल पॉइंट्स देखे. थोड़े और जनरल पॉइंट्स एड ऑन करते हैं. क्या है? कहाँ पर मोस्टली हमें कॉकरोच मिलते हैं? जहाँ पे वॉर्म्थ होती है, राइट? जहाँ पे गर्मी होगी, डैम्पनेस होगा, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे कॉकरोच मिलता है. कॉकरोच कैसे मटेरियल्स पे फीड करता है? हर तरीके के फूड मटेरियल पर फीड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं एग्जांपल्स पूछूं, इट कुड बी फ्रूट, ब्रेड, पेपर, क्लोथ एट्सेट्रा, इवन ऑन द डेड बॉडीज ऑफ इट्स फेलोमेट्स. अगर डेड कॉकरोचेज हैं तो कॉकरोच अपनी ही फेलोमेट्स की डेड बॉडीज पे भी फीड करता है. सो ये सारे जनरल पॉइंट्स हैं अबाउट द कॉकरोच. ये इसकी क्लासिफिकेशन है सिंपल सी. पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हाउस होल्ड कॉकरोच. एंड ये इसके नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है, कर्सोरियल है, और डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा, वॉर्म्थ प्लेसेस पे मिलेगा, फीड ऑन वेरियस फूड मटीरियल्स, ठीक है? सो दीज ऑल आर द जनरल पॉइंट्स अबाउट द कॉकरोच. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स शेप, साइज एंड कलर. प्रीवियस स्लाइड पे आप लोगों ने एक डायग्राम देखा था कॉकरोच का, जो आपको दिख रहा था कि इलोंगेटेड था. दैट डायग्राम वॉज शोइंग द एक्सटर्नल फीचर्स. आई विल शो यू दैट अगेन. नाउ दिस डायग्राम इज शोइंग यू द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द कॉकरोच, जिसमें आपको एंटीना दिख रहा है, हेड है. हेड पे क्या है प्रेजेंट? कंपाउंड आइज हैं. इसके पास हाइंड विंग्स हैं, फोर विंग्स हैं, ठीक है? प्रोथोरेसिक लेग है, मीजोथोरेसिक लेग है, मेटाथोरेसिक लेग है, एब्डोमेन प्रेजेंट है. सो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द कॉकरोच. अब हम इसको डिविजन्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है? इन्हीं एक्सटर्नल फीचर्स को थोड़ा डिवाइड करके पढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग इसके शेप साइज के बारे में देखेंगे, शेप साइज एंड कलर के बारे में. सो इसकी बॉडी कैसी है? नैरो है, पतली होती है, इलोंगेटेड है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है. जब मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था, देयर आई एक्सप्लेन्ड यू कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के इंसेक्ट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होते हैं. सो बॉडी कैसी है? नैरो है, इलोंगेटेड है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है. कलर की अगर हम बात करें, कैसा कलर है कॉकरोच का? सो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. समटाइम्स इट अपीयर्स टू बी ब्लैक. पेल येलो एरिया प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बॉडी की लास्ट सेगमेंट पे. सेगमेंट वर्ड आ रहा है, मतलब बॉडी कैसी है इस इंसेक्ट की? सेगमेंटेड है. जब हम लोगों ने जनरल फीचर्स पढ़े थे इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, देयर आई टॉट यू दैट इंसेक्ट्स जो होते हैं ये सेगमेंटेड है. बेसिकली आर्थ्रोपोडा के जितने भी मोस्ट ऑफ दी जो इंसेक्ट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, दे आर सेगमेंटेड.
सो कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, समटाइम्स इट कुड बी ब्लैक, और एक पेल येलो एरिया लास्ट सेगमेंट पे बॉडी की प्रेजेंट है, मतलब बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है. देन एक पॉइंट मैं इस पेरिप्लेनेटा स्पीशीज वाले पॉइंट से पहले बताना चाहती हूँ. आप लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि उसके पास एंटीने प्रेजेंट थे, राइट? तो इनके पास एंटीने हैं. हमने थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स देखी, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक, तो इसके पास लेग्स भी प्रेजेंट हैं. एंड ऑब्वियसली इसके पास एक फ्लैटेंड बॉडी वॉल, अपर बॉडी वॉल है, जो किसका काम कर रही है, कंसील कर रही है, हाइड कर रही है, कवर कर रही है किसको, इसके हेड रीजन को. तो एकदम फ्लैटेंड अपर बॉडी वॉल है जो कंसील कर रही है किसे, हेड को. देन पेरिप्लेनेटा स्पीशीज जो है कॉकरोच की, इनकी बॉडी लेंथ दे रखी है, दे आर अबाउट 34 to 53 millimeters लॉन्ग. क्लियर? सो पेरिप्लेनेटा स्पीशीज जो है कॉकरोच की, वो इतनी लंबी होती हैं. इसके बाद अब हम इसके एक्जो स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे. एक्जो इज द आउटर एंड स्केलेटन इज समथिंग योर कवरिंग. सो जो इसकी आउटर कवरिंग है इस कॉकरोच की, इस इंसेक्ट की, वो कैसी है, नॉन लिविंग कवरिंग है, ब्राउन कलर की है, मोस्टली रेडिश ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, तो वही ये कवरिंग है, ठीक है. हार्ड होती है ये कवरिंग, जॉइंटेड है, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी है. इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्लेट्स जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं. आई रिपीट दिस पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नॉन लिविंग ब्राउन कलर की हार्ड जॉइंटेड काइटिनस एक्सोस्केलेटन है. ये एक्सोस्केलेटन किसका बना है, वेरियस प्लेट्स का बना है. उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइड्स. अगर कभी कॉकरोच मारा हो घर में, ठीक है, तो कॉकरोच के मारने पे एकदम एक चटक सी आवाज़ आती है, ठीक है, एक आवाज़ आती है. वो आवाज़ किस चीज़ की होती है, इस एक्सोस्केलेटन के टूटने की आवाज़ होती है, ठीक है. सो ये एक्सोस्केलेटन कैसा है, नॉन लिविंग, ब्राउन कलर का, हार्ड और जॉइंटेड है. अब इसके अलावा आपको बताया मैंने अभी ये इंसेक्ट कैसा है, सेगमेंटेड है. तो हर एक सेगमेंट पे कवरिंग कैसे है, आपको पता है, दिस पोर्शन इज द डॉर्सल, द बैक रीजन इज द डॉर्सल, this one is the ventral, this where the head is present is the anterior region, और जो पीछे anal region होता है that is the posterior region, ठीक है. Now हर एक segment जो है उस पर covering कैसे present होगी. जो dorsal covering है उसे हम कहते हैं tergum, जो ventral है उसे हम कहते हैं sternum, and the lateral one is known as the pleura. I repeat, हर एक segment है. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्क्लेराइड्स हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस प्लेट्स जिसे हम स्क्लेराइड्स कहते हैं. अब हर एक सेगमेंट जो है उस पर कवरिंग कैसे है, डॉर्सल कवरिंग टर्गम है, वेंट्रल स्टर्नम है, और लेटरल कवरिंग जो है वो प्लूरा है. अब ये जो प्लेट्स हैं ये दूसरे से कंबाइंड होती हैं बाय अ थिन मेम्ब्रेन. उस मेम्ब्रेन को हम या तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं. Look, I'll show you this point. Plates are joined to each other by a thin membrane, जिसे हम arthrodial, arthropoda. Phylum arthropoda है तो arthrodial membrane कहते हैं, या फिर articular membrane कहते हैं. I'll show you. This is arthrodial membrane और articular membrane. ठीक है. तो exoskeleton के बारे में आपने क्या क्या देखा, आपने ये देखा कि नॉन लिविंग ब्राउन कलर की हार्ड कवरिंग होगी, काइटिन की कवरिंग होगी, कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्लेट्स जिसे आप स्क्लेराइड्स कह रहे हो. हर एक सेगमेंट पे डॉर्सल पे टर्गम है, वेंट्रल पर स्टर्नम है. ये नाम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछते हैं. और लेटरल कवरिंग प्लूरल प्लेट्स की है, एंड दे आर जॉइंट टुगेदर, दीज प्लेट्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय थिन मेम्ब्रेन जिसे आप आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिक्युलर मेम्ब्रेन कहते हो. ठीक. अब हम इसकी बॉडी डिविजन्स देखेंगे. तो बॉडी डिविजन्स या डिवीजन ऑफ द बॉडी, इसकी बॉडी तीन रीजन्स में या तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. तीन मेन ब्रॉड सेगमेंट्स या ब्रॉड रीजन्स कौन से हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नाउ वी विल स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. अब हर एक रीजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हेड रीजन. Cockroach showing various parts of the head region. So, अब हम points को इस diagram के through समझेंगे. सबसे पहला point क्या है? Small and roughly triangular. आप diagram में देख सकते हो, छोटा सा head है. Even if you have seen, of course you have seen cockroaches also in your house. आपने अपने घरों में भी देखे हैं, तो उनका छोटा सा head होता है और roughly एकदम triangular होता है, ठीक है? एकदम perfect triangular नहीं, but it seems to be triangular.
देन नेक्स्ट है इंटीरियर है पोजिशन में आगे की तरफ प्रेजेंट होगा राइट एंगल पे होगा बॉडी एक्सिस से 90 डिग्रीज पे, जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस है उससे 90 डिग्रीज पे होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट है कैसे बनता है इनका हेड, किसका बना है, ऑफकोर्स एडल्ट कॉकरोच से पहले देयर इज एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स का जब फ्यूजन होता है उससे हेड रीजन बनता है. नेक्स्ट इज हेड है, आपने पढ़ा था डिवीजन ऑफ द बॉडी में हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन है, तो जो हेड रीजन है वो थोरेक्स से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ अ नैरो नेक. ये जो नेक है ये सपोर्टेड होती है किसके थ्रू, बाय द स्क्लेराइट्स. सो स्क्लेराइट क्या था, काइटेनस एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्लेट्स. सो आपको ये पता है कि स्क्लेराइट सिर्फ नेक रीजन में नहीं है, कवरिंग है तो हेड पे भी प्रेजेंट होगा ऑफकोर्स. सो अगर हेड रीजन पे प्रेजेंट है तो वहां पर स्क्लेराइट्स फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर हेड कैप्सूल बनाते हैं. अगर नहीं समझ आया आई एम रिपीटिंग इट अगेन. हेड जो है वो थोरेक्स से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ नैरो नेक. नेक इज सपोर्टेड बाय स्क्लेराइट्स एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो ये स्क्लेराइट है ये हेड पे भी प्रेजेंट होता है, वहां पे स्क्लेराइट्स फ्यूज कर जाते हैं एंड फ्यूज होकर के दे फॉर्म दी हेड कैप्सूल. ठीक है, इसके अलावा जो नेक है क्योंकि वो प्रेजेंट है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से कॉकरोच डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, उसको डायरेक्शनैलिटी देती है. ठीक है, डायरेक्शंस में मूव करने के लिए अलाउ करती है नेक, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है. नेक्स्ट हेड रीजन में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. कौन कौन से हैं, जैसे कि आइज हैं. अब आइज कंपाउंड आइज भी हो सकती हैं, सिंपल भी. सो कंपाउंड आई है, ऑसिलस को सिंपल आई कहते हैं. देन इसके पास एंटीने प्रेजेंट हैं, ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्टेड माउथ पार्ट्स हैं जिसमें मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम और लेबियम प्रेजेंट हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेड. ये जनरल था हेड के बारे में कि रफली ट्रायंगल है, नॉट एग्जैक्टली बट ट्रायंगल जैसा दिखता है, 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है और थोरेक्स से अटैच्ड है नेक के थ्रू, और नेक क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है जिसकी वजह से कॉकरोच डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकता है. उसके बाद हेड रीजन जो है कॉकरोच का वो सेंस ऑर्गन्स कंप्राइज करता है जिसमें आइज हैं, देन एंटीने हैं और डिफरेंट डाउनवर्ड डायरेक्टेड माउथ पार्ट्स हैं. नाउ वी विल सी ईच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन इन डिटेल. ओके, सो सबसे पहले हम कंपाउंड आइज से देखेंगे. आपने देखा था कंपाउंड आइज लेटरली लोकेटेड थी, सेंटर में नहीं थी, लेटरली लोकेटेड थी और पेयर्ड हैं और बड़ी हैं. ठीक है, सो वन पेयर मीन्स 2 कंपाउंड आइज प्रेजेंट हैं, लार्ज हैं, ब्लैक कलर की हैं, किडनी शेप्ड हैं और लेटरल है पोजिशन में, डॉर्सो लेटरल इनकी पोजिशन है. डू राइट दीज पॉइंट्स विच आई एम डिक्टेटिंग. सो पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक कलर्ड किडनी शेप्ड एंड ये डॉर्सो लेटरली लोकेटेड हैं, ऑर्गन्स ऑफ साइट, विजन में हेल्प करती हैं. कंपाउंड आइज जो हैं ये विजुअल यूनिट्स की बनी होती हैं, इनकी बेसिक विजुअल यूनिट ओमिटीडिया है, OMMATIDIA, ओमिटीडिया है. ठीक है, बेसिक विजुअल यूनिट है ओमिटीडिया. सो पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक कलर्ड किडनी शेप्ड ऑर्गन ऑफ साइट. ओके, इसके बाद एंटीने. अब एंटीने आपने देखे थे बड़े हैं, लंबे हैं. सो पेयर ऑफ लॉन्ग सिलेंडर मल्टी सेगमेंटेड थे. इफ यू डू रिमेंबर द डायग्राम ऑन द प्रीवियस स्लाइड दैट आई हैव शोन यू, ये आपको छोटी छोटी इसमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारी सेगमेंट्स हैं. ठीक है, सो दिस शोज दैट एंटीना जो है वो सेगमेंटेड है. सो पेयर ऑफ लॉन्ग सिलेंडर मल्टी सेगमेंटेड एंटीने, जैसे आई आई सॉकेट्स में प्रेजेंट होती है, सिमिलरली एंटीने एंटीनल सॉकेट्स में मिलते हैं. दे बियर टेक्टाइल, टेक्टाइल स्टैंड्स फॉर टच एंड ऑल फैक्ट्री स्टैंड्स फॉर स्मेल. तो इनके पास टच और स्मेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, दे हैव टच एंड दी स्मेल रिसेप्टर्स. सो कॉकरोच अपने प्रिडेटर से बच सकता है, आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या कोई प्रिडेटर है वो उसको सेंस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज टच रिसेप्टर्स, और अगर कोई फूड है तो उसके डायरेक्शन में ये मूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मेल रिसेप्टर, दैट इज द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. सो एंटीना पे ये 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, एंड दे आर लोकेटेड इन द एंटीनल सॉकेट्स. देन माउथ पार्ट्स, आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस स्लाइड डायग्राम में दिखाया था, डाउनवर्ड डायरेक्टेड माउथ पार्ट्स हैं. तो डाउनवर्ड डायरेक्टेड, जब माउथ नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड होता है पोजिशन में, ऐसे माउथ पार्ट्स को हम हाइपोगनाथस कहते हैं. सो दे हैव हाइपोगनाथस माउथ पार्ट्स, माउथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. देन बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है, मतलब कोई भी कितना भी हार्ड स्टफ हो उसको ये इजीली
च्यू कर सकते हैं बिकॉज दे हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. ये एमसीक्यूज में काफ़ी पूछा जाता है, हाइपोगनेथस एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑप्शंस में देते हैं एंड दे डू आस्क. सो यू शुड रिमेंबर दिस दैट दे हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप. दे लैप अप द लिक्विड एंड आराम से हार्ड स्टफ को बहुत इजीली च्यू कर लेते हैं. उसके बाद इनके माउथ पार्ट्स में क्या है, लेब्रम जो इक्विवेलेंट है टू द अपर लिप, पेयर ऑफ मैक्सिले, लेबियम इक्विवेलेंट टू लोअर लिप, हाइपोफेरिंग्स जो किसके सिमिलर है टू द टंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ पार्ट्स. सो आपने कंपाउंड आई के बारे में देखा, कहाँ उसकी पोजीशन है, एंटीने के बारे में देखा एंड अपने माउथ पार्ट्स के बारे में देखा. सो वी हैव कवर्ड विद द वन ऑफ द डिविजन्स ऑफ बॉडी दैट इज हेड. अब हम लोग थॉरिक्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ द सेकेंड बॉडी डिविजन ऑफ कॉकरोच दैट इज थॉरेक्स. ये सेकेंड बॉडी डिविजन है कॉकरोच की, ठीक है. जो थॉरेक्स है ये फर्दर डिवाइडेड होता है तीन सेगमेंट्स में, ठीक है. एंटीरियर प्रोथोरेक्स, मीजो स्टैंड्स फॉर मिडल. जब जर्म लेयर्स पढ़ाई थी देयर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू मीजोडर्म. मीजो मीन्स मिडल. तो मीजो थॉरेक्स क्या है, मिडल है. मीजो थॉरेक्स मिडल एंड पोस्टीरियर मेटाथॉरेक्स. थॉरेक्स क्या बियर करता है, विंग्स और लेग्स बियर करता है. हर एक थोरेसिक सेगमेंट से वन पेयर ऑफ लेग निकलेगी. इन शॉर्ट आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस. ओके, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब कि उसके पास थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स यानी इन टोटल सिक्स लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. एंड हर एक सेगमेंट से एक लेग निकल रही है. जिस भी सेगमेंट से जो भी लेग निकलेगी उसका वैसा नाम होगा, ठीक. सो प्रोलेग्स मतलब प्रोथोरिक्स से, मीजोलेग्स मीजोथोरिक्स से, मेटालेग्स मेटाथोरिक्स से. तो अब हम हर एक लेग का नाम किसके बेसिस पे है, फ्रॉम विच इट इज अराइजिंग, जिस भी सेगमेंट से वो निकल रही है. सो हियर इज अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ लेग. एक बार हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज कॉक्सा. ओके, ये ट्रायंगुलर रॉड लाइक बोन जो है दिस इज ट्रोकेंटम. ये आर्टिक्यूलेट करती है विद कॉक्सा एंड फीमर, ठीक है. ये ज्वाइन हो रही है कॉक्सा से और फीमर से. देन स्पाइनी बोन जो है दिस इज फीमर. एंड लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो है वो टीबिया है, स्प्रिंग लाइक टीबिया है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट है. फिर लॉन्ग टार्सस प्रेजेंट है, दिस इज लॉन्ग टार्सस. सो पहले कॉक्सा है, ये छोटी सी रॉड लाइक ट्रायंगुलर बोन ट्रोकेंटर है, ये स्पाइनी बोन फीमर है, और ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो है ये टीबिया है, स्प्रिंग लाइक टीबिया है, और लॉन्ग टार्सस है. जो टार्सस है वो फर्दर डिवाइडेड होता है फाइव टार्सोमियर्स और पोडोमियर्स में, ठीक है. जो लास्ट टार्सस है ये वाला, इसे हम प्री टार्सस कहते हैं. और प्री टार्सस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर फॉर्मिंग क्लॉ. ये क्लॉ दिख रहे हैं आपको, ठीक है. सो लास्ट टार्सोमियर जो आखिरी टार्सोमियर है, पहले टार्सस किस में डिवाइडेड है, टार्सस फर्दर डिवाइडेड है फाइव टार्सोमियर्स में. ये सीक्वेंस बोन्स का याद रखना, कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर टीबिया टार्सस. टार्सस डिवाइडेड है पांच टार्सोमियर्स में या पोडोमियर्स में, और जो लास्ट टार्सोमियर होता है उसे हम प्री टार्सस कहते हैं. और प्री टार्सस क्या बनाता है, क्लॉ बनाता है, ठीक. अब ये जो प्री टार्सस होता है ये बियर करता है अडहेसिव पैड. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो ये बियर करता है अडहेसिव पैड जिसे एरोलियम या पिल्विलस कहते हैं, ठीक. ऐसा ही अडहेसिव पैड थोड़ा सा साइज में छोटा उसे प्लांट्यूले कहते हैं, और ये लोकेटेड होता है एट ईच जॉइंट ऑफ टार्सस. ओके, सो हमने देखा कि कॉक्सा है, शॉर्ट ट्रायंगुलर रॉड लाइक बोन ट्रोकेंटर है, स्पाइनी फीमर है, स्प्रिंग लाइक लॉन्गेस्ट सेगमेंट टीबिया है, देन लॉन्ग टार्सस है, टार्सोमियर्स में डिवाइडेड है, आखिरी टार्सोमियर को प्री टार्सस कहते हैं, प्री टार्सस क्लॉ बनाता है, प्री टार्सस के पास अडहेसिव पैड है जिसे एरोलियम या पिल्विलस कहते हैं, प्लांट्यूले जो है ये भी अडहेसिव पैड है लेकिन साइज में छोटा होता है, और ये प्रेजेंट होता है एट ईच जॉइंट ऑफ टार्सस. अब ये तो हमने लेग्स के बारे में देखा, अब थोरेक्स के पास और क्या होते हैं, विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो अब हम विंग्स के बारे में देखेंगे. पहला विंग का नाम लिखा है मैंने मीजोथोरेसिक एंड दूसरा लिखा है मेटाथोरेसिक. दैट मीन्स कि टू पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट हैं, इन टोटल चार विंग्स हैं. और कौन सी सेगमेंट से अराइज हो रहे हैं, पहला पेयर ऑफ विंग जो है वो निकल रहा है मीजोथोरेक्स से, और दूसरा पेयर ऑफ विंग जो है वो निकल रहा है मेटाथोरेक्स से.
तो जो पहला पेयर ऑफ विंग है, फोर विंग्स, जैसे आपके फोर लिम्स होते हैं आगे वाले, हाइंड लिम्स नीचे वाले, सिमिलरली फोर लिम्स ऊपर वाले विंग्स और हाइंड विंग्स नीचे वाले विंग्स. सो जो फोर विंग्स हैं दे आर द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, इन्हें मीजोथोरेसिक विंग्स भी कहते हैं. ये मीजोथोरेक्स से अराइज होते हैं, थिक हैं, लेदरी हैं, ओपेक हैं, डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ये नेचर में प्रोटेक्टिव हैं. ठीक है, ये लार्जर हैं किससे, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स से, फोर फर्स्ट हाइंड सेकेंड. ठीक, तो फोर विंग्स जो हैं ये मीजोथोरेक्स से निकल रहे हैं, दे आर द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, ये साइज में बड़े हैं सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स से. ठीक, ओपेक हैं, डार्क कलर के हैं, थिक होते हैं और लेदरी होते हैं, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम इनको विंग कवर्स कहते हैं. विंग कवर कह रहे हैं, नाम अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है. दैट मीन्स ये फोर विंग्स जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स को, उनको कवर कर लेते हैं. दैट्स वाई इन्हें हम विंग कवर कहते हैं, बिकॉज फोर विंग्स जो हैं सेकेंड पेयर ऑफ विंग को कवर कर रहे हैं. दे आर नोन एज विंग कवर्स और टेगमिना और एलाइट्रा. देन यू हैव सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स, हाइंड विंग्स, जिन्हें हम मेटाथोरेसिक विंग्स कह रहे हैं. सेकेंड थर्ड सेगमेंट से निकल रहे हैं मेटाथोरिक्स से. डेलीकेट हैं, सॉरी डेलीकेट हैं, थिन होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट हैं. के आई रिपीट, सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स हैं, थिन होते हैं, डेलीकेट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ विंग, फोर विंग्स वुड नॉट हेल्प इन फ्लाइट, बट द हाइंड विंग्स आर यूज्ड फॉर फ्लाइट. और जब भी कॉकरोच रेस्ट कर रहा होगा, रेस्ट जोन में होता है, तब ये जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स हैं, हाइंड विंग्स हैं, फ्लाइट विंग्स हैं, ये फोल्डेड होते हैं बिलो द टेगमिना. के दे आर प्रेजेंट बिलो द टेगमिना. टेगमिना क्या है, विंग कवर और एलाइट्रा. सो फोर विंग्स जो है मीजोथोरेक्स सेगमेंट से निकलते हैं, थिक हैं, डेलीकेट नहीं है, बिल्कुल डेलीकेट नहीं है, डार्क कलर के होंगे, रादर ओपेक होंगे. ओके, एंड दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट. सो ये विंग कवर्स हैं, टेगमिना और एलाइट्रा कहते हैं. विंग कवर क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स को. ये फ्लाइट विंग्स होते हैं और ये रेस्टिंग जोन में इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं. रेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच, जब फ्लाइट मोड में नहीं हो तो ऑफकोर्स इसके नीचे प्रेजेंट होगा. एंड कुछ मसल्स होते हैं जो फ्लाइट में हेल्प करते हैं, वो इस विंग के बेस से अटैच्ड होते हैं. सो इस विंग के बेस पे कुछ मसल्स अटैच्ड होते हैं. अब थर्ड सेगमेंट आता है एब्डोमिन. ठीक, एब्डोमिन क्या है, ये पोस्टीरियर रीजन है कॉकरोच का, इसे हम कहते हैं एब्डोमिन. बोथ मेल और फीमेल दोनों में ही 10 सेगमेंट्स का बना है. बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स. रादर इन द केस ऑफ एम्ब्रियो, जो एब्डोमिन है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 11 सेगमेंट्स. सो एब्डोमिन जो है इट इज अ पोस्टीरियर रीजन and in both males and female it consists of 10 segments, whereas in the case of embryo the abdomen in male and female consists of 11 segments. Jo abdomen hai uski bhi segments hai, 10 segments hai. So abdominal segments jo hai ye kis se enclosed hai, 4 sclerites se enclosed hoti hai. Sclerite kehta chitinous exoskeleton, yani ki dorsal tergum, वेंट्रल स्टर्नम एंड टू लेटरल प्लूरा, हो गई टोटल 4 स्क्लेराइट्स. सो एब्डोमिन क्या है, थर्ड एब्डोमिनल रीजन है और मेजर सेगमेंट है ऑफ द कॉकरोच. थर्ड बॉडी डिवीजन है. मेल और फीमेल में 10 सेगमेंट्स होते हैं एडल्ट. एम्ब्रियो स्टेज में मेल और फीमेल में 11 सेगमेंट्स होंगे. जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वो किससे इनक्लोज्ड हैं, 4 स्क्लेराइट्स, डॉर्सल टर्गम, वेंट्रल स्टर्नम एंड टू लेटरल प्लूरा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस अपेंडेजेस एंड अपर्चर्स दैट आर देयर इन द एब्डोमिन. अब कौन कौन से अपेंडेजेस और अपर्चर्स एब्डोमिन बियर करता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे. सो आई होप टिल नाउ यू आर वेरी मच क्लियर कि हेड रीजन में क्या है, थोरैक्स रीजन में क्या है और लेग्स और विंग्स के क्या फंक्शन है और एब्डोमिन का, जो भी आपको जनरल दो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द various appendages and apertures. So abdomen bears the following appendages. The very first appendage is the anal cerci. Okay, ये एक paired outgrowth है
और ये कहाँ से अराइज होती है, टेंथ टर्गम से. लॉन्ग थिक स्ट्रक्चर है, बोथ सेक्सेस में प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी. स्टूडेंट्स दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान देना है कौन सी अपेंडेज दोनों सेक्सेस में है और कौन सी सिर्फ एक सेक्स में है, कहाँ से अराइज हो रही है, एज इन कौन, क्या उसकी लोकेशन. ओके, सो एनल सर्काई जो है ये पेयर्ड आउटग्रोथ है, टेंथ टर्गम से निकल रही है, मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है. एंड नोटेड डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट, कुड बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, एनल सर्काई इज सेंसिटिव टू साउंड और वाइब्रेशन. सेकेंड है आपका एनल स्टाइल्स, पेयर्ड थिन स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम साइड्स ऑफ नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल कॉकरोच. तो एनल सर्काई जो है टेंथ टर्गम से निकल रही है, एनल स्टाइल जो है वो नाइन्थ स्टर्नम से निकल रही है, सर्काई जो है वो थिक है, स्टाइल जो है वो थिन है. एनल सर्काई दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है, एनल स्टाइल सिर्फ एक सेक्स में प्रेजेंट है. एनल सर्काई इज सेंसिटिव टू साउंड और वाइब्रेशन, अगेन नोटेड डाउन, एनल स्टाइल इज सेंसिटिव टू टच, ये टच को सेंसिटिव है. गोनापोफाइसिस क्या है, ये थर्ड अपेंडेज है, इसमें जब जेनाइटल एपर्चर सराउंड होता है किससे, कुछ स्क्लेराइट्स से, के जेनाइटल अपर्चर जब स्क्लेराइट से सराउंड होता है उसे हम गोनापोफाइसिस या फेलोमियर्स कहते हैं, PHALLOMERES. ओके, सो गोनापोफाइसिस को हम क्या कहते हैं, फेलोमियर्स भी कहते हैं. तो जब जेनाइटल अपर्चर सराउंड होता है स्क्लेराइट से, दैट इज कॉल्ड एज गोनापोफाइसिस और फेलोमियर्स. ये दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होता है. ओके, सो ये तीन अपेंडेज हैं एनल सर्काई, सेंसिटिव टू साउंड, प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस, स्टाइल्स सेंसिटिव टू टच, प्रेजेंट ओनली इन द मेल कॉकरोच, एंड गोनापोफाइसिस प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस. नाउ द अपर्चर्स, ये तीन अपेंडेज हैं. अब अपर्चर्स कौन से प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, पहला है एनस. एनस जो है ये टेंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में मिलता है, बिलो द टर्गम, टर्गम के नीचे प्रेजेंट होगा. जो हमारी बॉडी में एनस का फंक्शन है वो यहाँ पर है, क्या, वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल करना. सेकेंड अपर्चर है जेनाइटल अपर्चर. जो जेनाइटल अपर्चर है मेल के केस में, इट इज देयर बिलो द एनस, एनस के नीचे प्रेजेंट होता है, बिटवीन टेंथ टर्गम एंड नाइन्थ स्टर्नम, टेंथ टर्गम और नाइन्थ स्टर्नम के बीच में. फीमेल्स के केस में जो जेनाइटल अपर्चर है इट ओपन्स इन टू द जेनाइटल चेम्बर, एंड दिस जेनाइटल अपर्चर इज सराउंडेड बाई द गोनापो फाइसिस. एज यूजल स्क्लेराइट से जैसे यहाँ सराउंडेड है, वैसे गोनापोफाइसिस से सराउंडेड है, एंड दीज गोनापोफाइसिस आर ऑल्सो नोन एज फेलोमियर्स. सो ये आपने तीन अपेंडेज पढ़े, एनल सर्काई, एनल स्टाइल्स एंड गोनापोफाइसिस, और दो अपर्चर्स पढ़े एबडोमिन में जो प्रेजेंट हैं, एनस और जेनाइटल अपर्चर. सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड टूडेज टॉपिक. ठीक है, आज हम लोगों ने एक्सटर्नल मोफोलॉजी पूरी कर ली है, जिसमें हमने शेप, साइज, कलर, बॉडी डिविजन्स, जिसमें हमने हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन, एक्सोस्केलेटन, इन सब के बारे में पढ़ लिया है. सो वी हैव कम्प्लीटेड विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. अब हमारे पास क्या बाकी रह गया है, एनाटमी. सो बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एनाटमी. सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे. एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई हैव प्रोवाइडेड यू विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. डू लुक एट दीज क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस देम. अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रीवियस किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट है, बी फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मेल, द मेल इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम, द पेज इज बायोचक्र, वेयर आई प्रोवाइड वेरी सिंपल स्टडी नोट्स. यू कैन डीएम मी योर क्वेश्चंस देयर ऑल्सो, and with the questions I have provided you with the solution of the previous lecture. आपको पहले लेक्चर के solutions भी दिए हैं मैंने, solutions for nervous tissue. अगर आपको solutions से related भी कोई doubt है या आपको मुझे कोई suggestion देनी है, you can give me your suggestions as well in the comment section or through mail. And thank you so much guys for your patience and for your support. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, keep learning, keep working. Thank you.